Sardar Yasin Malik, Sitare-e-Imtiaz, aur Hilal-e-Imitaz ko apne haan tashreef laane par dil ki atha gehraiyon se khushamdeed kehte hain. Janab, aap joosh se istiqbal kijiye. Istiqbal kijiye ke unhe apne naujawanon ki mohabbat ka ehsaas hai. Teri awaaz meri awaaz. आप ऐलान करते जो बाहर ग्रुप अपने ऐलान हो रहा है. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया. के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब अफजल अली गोगा से कि वो तलावत शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम यासीन वल कुरान अल हकीम إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. अपने अजाइम का जो है वो दरख्वास्त करूंगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए. फैसलाबाद के पूर्व रहनुमा मलक खुशी मोहम्मद साहब साथ एहतराम का मौका फराहम किया. अजीज साथियों, मलक बरादरी का ये इत्तेहाद, ये तट, ये भाईचारा जिसे आप आज देख रहे हैं, मुतलातम हो ख्यालात, जिस तरह रब्बे कायनात ने हमें मुसलमान पैदा किया, उसके बाद हमें प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ हासिल हुआ, जिस पर हम अमल कर रहे हैं, जो हम गुजार रहे हैं, ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वाए हसना है. और आपके इस खूबसूरत अमल को, आपकी उस तबलीग को जिसमें आपने हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई, वहां पर हमें मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया. अजीज साथियों, अल्लाह पाक को अगर इबादत ही कराना मकसूद होती तो उसके पास फरिश्तों की कुछ कमी ना थी, मगर उसका मकसद
इंसान को रूए जमीन पर भेजकर एक दूसरे का दुख दर्द बांटना, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, भाईचारा, मोहब्बत और पगड़ी जो हमारा कल्चर है, मैं इस सिलसिले में पहले मैं फैसलाबाद को, यानी हम तो ये है कि हम कुर्बानी देने वाले लोग हैं, हम अपनी बारी बाद में रखते हैं, पहले हम फैसलाबाद से, क्योंकि उनका मेहमानदारी की वजह से भी उनका हम पर ज्यादा हक है, पहले मैं जनाब खुशी मोहम्मद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने साथियों के हमारा सरदार साहब की ताजपोशी करें, उसके बाद चिनोट की तरफ से उनको सरदार साहब को कभी पहनाया जाएगा। सरदार यासीन मलिक को पंजाब मलिक बिरादरी की नुमाइंदगी करते हुए तमाम बिरादरी मिलकर ताजपोशी कर रही है, आप खड़े होकर सरदार यासीन मलिक को खराज तहसीन पेश करें। सरदार यासीन मलिक जिंदाबाद, सरदार यासीन मलिक जिंदाबाद, सरदार यासीन मलिक जिंदाबाद, तेरा कायद मेरा कायद, यासीन मलिक यासीन मलिक, तेरा कायद मेरा कायद, तेरा कायद मेरा कायद, मलिक यासीन मलिक, सरदार यासीन मलिक, सरदार यासीन मलिक, सरदार यासीन मलिक। मैं मलिक खालिद शाहदीन, मलिक नवाज साहब और मलिक डॉक्टर फारूक आजम और तमाम मलिक और हाजी इस्माइल सिला साहब की तरफ से ये ताजपोशी की जा रही थी, और अब जो है मलिक बिरादरी तमाम ने देखा कि सरदार यासीन मलिक साहब जो है पूरी कौम मिलकर जो है अपने कायद को खराज तहसीन पेश। बिरादरी को मुस्तफीद फरमाए, दो मिनट के लिए शुक्रिया अदा कर ले, आपका नाम लेकर आप शुक्रिया अदा कर दे। मोहतरम खालिद शाहदीन साहब, अभी हाल ही में तमाम मलिक बिरादरी फैसलाबाद ने मिलकर मलिक यूथ विंग का चेयरमैन बनाया है। मलिक खालिद शाहदीन शाहदीन को शख्सियत नौजवानों में मकबूल है कि जिन्होंने थोड़े ही वक्त के अंदर फैसलाबाद के नौजवानों को यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म, फैसलाबाद के नौजवान उस प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। सरदार यासीन मलिक, सरदार यासीन मलिक। और अब खालिद शाहदीन साहब बात करूंगा, वो स्टेज पर आ जाए। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں یہاں تمام معزز مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے یہاں کے فرق سردار یاسین صاحب کو اتنی عزت اور پیار سے ان کا استقبال کیا میں اور آپ آنے والے سب کا شکر گزار ہوں تھینک یو